नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव पर। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। बस और ट्रैक्टर की टक्कर, 20 यात्री घायल। नागपुर महामार्ग स्थित ग्राम डबा के पास बस ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी और नदी में जा गिरी। इस घटना में 20 से 25 यात्री घायल होने की जानकारी है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन घटना रविवार की शाम 7 बजे हुई। जानकारी के अनुसार नागपुर मार्ग से बस जा रही थी, उसी दौरान सामने से ट्रैक्टर आ रहा था। पुल के पास सिटी बस ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। बस अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। इस हादसे में 20 से 25 यात्री घायल होने की खबर है। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण अस्पताल में भेज दिया गया। तो वही दूसरी ओर 16 किलो गांजा समेत 16 लाख का माल जब्त। देवरी जिला परिषद में मैदान में खड़े एक ट्रक की तलाशी में पुलिस ने 16 किलो गांजा समेत 16 लाख रुपए का माल जब्त किया है। पुलिस को 16 जनवरी को थाने से कुछ दूर खड़े ट्रक में गांजे के 8 बंडल मिले। गांजे का वजन 16 किलो 530 ग्राम तथा उसकी कीमत 1,32,240 रुपए बताई गई है। पुलिस ने ट्रक समेत गांजा जब्त किया है। आरोपियों पर मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो वही तीसरी ओर महिला से छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार। घर पर महिला को अकेला पाकर उससे जबरदस्ती करने की घटना कुरखेड़ा तहसील के ग्राम सोनेरांगी में शुक्रवार को हुई। इस संदर्भ में पीड़िता की शिकायत पर आरमोही पुलिस ने आरोपी रमेश नेताम को रविवार को गिरफ्तार किया है। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।